शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 जब खत्म हुआ तो लोग शार्क्स को बस उनके नाम से नहीं जान रहे थे, लोग उनको जान रहे थे उनकी पर्सनैलिटीज की वजह से, जो जो उन्होंने शब्द बोले उनकी वजह से, उनके स्टाइलिंग वो हर एक चीज की वजह से। जैसे कि अगर कोई भी मार्केट में बोले कि तेरा दोगलापन निकालता हूँ, रुक तू अभी दिखाता हूँ तेरा दोगलापन, तो लोग बोल देंगे यार ये तो अश्नीर ग्रोवर है, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। अब इफ समवन सेज कि यार हम भी बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है, उसके हम है, ये तो यार अमन वाली सी बात हो गई तुम्हारी। हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम है। एंड इफ समवन इज इनटू हिंदी सो मच, पोलाइटनेस से बात करे कि आई एम आउट बट बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, तो भाई यार ये तो अपना अनुपम मित्तल हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग टू शो। और नमिता थापर को लोग जानने लगे बिकॉज ऑफ हर एक्सपर्टीज। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, आई एम आउट, सो आई एम आउट, सो आई एम आउट। वेट, हर एक्सपर्टीज नॉट दैट शी इज एन एक्सपर्ट, हर एक्सपर्टीज शी इज नॉट एन एक्सपर्ट, तो लोग जानने लगे कि शी इज नॉट An expert? This is an expert. Confused हो गए। I know खिचड़ी बन गई, but I was trying कि यार बिरयानी बने, लेकिन वो हमारी expert ही नहीं है। तो जो है, वही करते हैं। So let's find out जो नमिता थापर हैं, वो expert क्यों नहीं है? Why she is not an expert? Namita Thapar is an executive director of Emcure and इससे पहले for 10 years she was CFO. मतलब कि अपनी कंपनी में उन्होंने टाइम तो काफी दिया है और वो एक जगह का एक्सपीरियंस नहीं ले पाई थी, एक्सपर्टीज नहीं ले पाई, जो अभी तक उनको काफी परेशान करता है, वो है बिल्डिंग अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि एक कंपनी को जीरो से खड़ा करना इज डिफरेंट एंड एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में ऑपरेशंस को मैनेज करना इज एंटायरली डिफरेंट। जब आप कंपनी बिल्ड करते हैं तब आपकी फटी पड़ी रहती है एंड ऑपरेशंस को फॉलो करवाने में, मैनेज करवाने में आप एम्प्लॉइज की फाड़ देते हैं है ना, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस जिसमें आपकी फटी पड़ी रहती है वो एक्सपीरियंस गया सारा का सारा मिस्टर सतीश मेहता के पास, फादर ऑफ नमिता थापर, जिसने एमक्योर को बनाया आज से 42 इयर्स पहले, यानी कि 1981 में 3 लाख रुपए का लोन लेकर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो एमक्योर का रेवेन्यू वो है 730 मिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि इंडियन रुपीज में 5,812 करोड़। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 160 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 1,287 करोड़। और अगर हम बात करें उनके नेट इनकम की तो वो रही है 88 यूएस मिलियन डॉलर, यानी कि 702 करोड़ रुपए की। बिना सनी और फिरोज की मदद से मिस्टर सतीश मेहता ने काफी पैसा छाप दिया और उसी पैसे को अब नमिता थापर जो है वो कर रही है इन्वेस्ट। तो एक बार ना हम नजर डालते हैं कि इन्होंने शार्क टैंक में जितने भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है वो स्टार्टअप्स कैसे हैं। आई नो ऑलमोस्ट या फिर मैं कहूँ 80% सिमिलर्स हैं। योर फूड डॉक्टर, वकार फूड्स, इन अ कैन, बियॉन्ड वाटर, नट जॉब, स्किपी आइस पॉप्स, वेरी मच इंडियन, झाजी स्टोर, कोको फिट, स्नेकियर, नोमाड फूड प्रोजेक्ट। देखिए ऐसा नहीं कि नमिता थापर ने बस यहीं पर इन्वेस्ट किया है, बट मेजोरिटी जो है वो ऐसे ही स्टार्टअप्स की रही है। और मैं आपको एक छोटी चीज और बता दूं जो ऐसा हमने नोटिस की है कि बहुत सारी ऐसी डील्स आती हैं जहां पर कई बार पीयूष या अमन या पहले सीजन में अश्नीर अकेले चले जाते थे कि कोई नहीं कर रहा चलो मैं कर लेता हूं, लेकिन नमिता का ये रेशो बहुत कम रहा है, शायद एक या दो बार ही आगे निकल कर आए कि हाँ मैं अकेली करने को तैयार हूं। ज्यादातर ये रेडी तभी होती है जब कोई साथ में साथ आ जाए कि हाँ यार अच्छी चीज है लेट्स इन्वेस्ट। एंड सेकेंड इज कि जो कंपनी है वो ऑलरेडी बिल्ड हो जाती है, स्टार्टअप थोड़ा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जहां इनको लगता है कि यार ये अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ है वहां ये डील से बाहर निकल जाती हैं। एंड दिस इज नॉट हर फॉल्ट, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एमक्योर को आगे बढ़ाया है वहां पर इन्होंने बिल्डिंग में काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है ऑपरेशंस पर और ऑपरेशंस अच्छे ही रहे इनके। मैंने बोला कि ऑपरेशंस में बिल्कुल खराब है भाई, आप ऑपरेशंस आर गुड, बट एवरी टाइम व्हेन शी सेज दिस थिंग कि ये मेरी एक्सपर्टी नहीं है, आई एम आउट, इट मींस शी इज टेलिंग ट्रूथ, वो सच बोल रही होती है कि सच में उसकी एक्सपर्टी नहीं है, उन्होंने बिल्ड नहीं की हैं चीजें। जहां भी बात आ जाती है किसी प्रोडक्ट को जीरो से हीरो बनाने में, एवरी टाइम शी सेज ओनली वन थिंग, मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, आई एम आउट, आई एम आउट, आई एम आउट, आई एम आउट। बाकी व्यूअर्स हमारी एक्सपर्टी कैसे रही इस वीडियो में उसका आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अभी दो वीडियोस पे काम कर रहे हैं हम लोग, एक एमबीए चाय वाला, सेकंड इज मिस्टर बियर बाइसेप, तो कमेंट करके भी बता सकते हो कि पहले कौन सी वीडियो आए बाद में कौन सी आए। एंड उन सबसे पहले एक अश्नीर ग्रोवर पे स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, यू कैन वॉच दैट, हियर इज द वीडियो। जय हिंद।